अब चौथा गुण सुनिए भक्ति का, सुदुर्लभा। ये भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ ही किसे कहते हैं? भाई जो बहुत कठिनाई से मिले, और सुदुर्लभ जो बहुत 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 कठिनाई से मिले। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन घैर नासंगैर लभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्व देयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। ये भक्ति सुदुर्लभ है, साधनों घई रना संगई रलभ्या, अनंत अनासंग साधनाएं कर डालो तो भी भक्ति नहीं मिलती, बड़ी कठिनाई से मिलती है। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन साहस्रै हरि भक्ति सुदुर्लभा। तंत्र संहिता देखिए, हर ग्रंथ कह रहा है कि ये भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ये जल्दी से नहीं मिलती, किसी साधन से भक्ति नहीं मिलती। अच्छा, तो फिर भक्ति कैसे मिलेगी जब कोई साधनहीन हो जाता है? हमारे श्री महाराज जी भक्ति शतक में लिखते हैं, सब साधन संपन्न कहां पूछत सब संसार राधे राधे, और साधन हीन प्रपन्न कहां पूछत नंद कुमार राधे राधे। संसार वाले किसका आदर करते हैं, किसका सम्मान करते हैं? जिसके पास समस्त प्रकार के साधन हो, खूब पैसा हो, खूब जवानी हो, सुंदरता हो, संसार का सुख वो हमें दे सके, संसार वाले ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और भगवान किसका सम्मान करते हैं, किसका आदर करते हैं? साधनहीन लेकिन प्रपन्न कहां पूछत नंद कुमार राधे राधे। जो साधनहीन हो जाता है, साधनहीन दीन अपनावति, जो किसी साधना का अहंकार करता है, हम ये तपस्या करेंगे, हम ये व्रत करेंगे, हम ये दान करेंगे, हम ये तीर्थ करेंगे, हम इतना भजन करेंगे, हम इतनी पूजा पाठ करवाएंगे, हम ऐसा जाप करेंगे, ये जो साधना का अहंकार हम करते हैं ना, इससे भगवान नहीं मिलते। आप कहेंगे, दीदी अगर किसी साधना से भगवान नहीं मिलते तो फिर साधना क्यों करवाई जाती है? हम लोग साधना क्यों करते हैं कि कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रूप ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं? ये साधनहीन अवस्था कैसे आएगी? साधना करने से आएगी। जितनी हम साधना करेंगे उतना ही हम साधनहीन अवस्था पर पहुंचते जाएंगे, हमारा अहंकार समाप्त होता जाएगा, दीनता आती जाएगी, नम्रता आती जाएगी। जिस दिन हम अपने को साधनहीन महसूस कर लेंगे, हे नाथ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं दान कर लूं, मेरा शरीर भी जवान नहीं कि मैं शरीर से आपकी या किसी संत की सेवा कर लूं, और मेरा मन भी इतना अच्छा नहीं कि निरंतर मैं आपका स्मरण कर सकूं, महाराज बस मैं तो साधनहीन हूं, आपकी शरण में हूं। इसीलिए तो आपको मैंने बताया था कि शरणागति का मतलब होता है कुछ ना करना। जब जीव कुछ ना करने की अवस्था पर आ जाता है तब भगवान की कृपा मिलती है।
तो चौथा गुण मैंने भक्ति का बताया, सुदुर्लभ। ये भक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है, लेकिन मिलती है कब? जब हम साधनहीन बन जाते हैं, किसी साधना से नहीं मिलती। पांचवा गुण, Oh,